नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पाइसी और टैंगी साइड डिश की रेसिपी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप झटपट किस प्रकार से बना सकते हैं कच्चे आंवले की चटनी। एक पीस आंवले में एक संतरे से 20 गुना ज्यादा वाइटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी बाल और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चटनी को बनाने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता है। ये है 10 से 12 टुकड़े आंवले के, 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है, और इसके साथ ही तीखेपन के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 5 हरी मिर्चें। तो ये आंवले को मैंने अच्छे से धो के इनकी गुठलियाँ निकाल ली है। उसके साथ ही मैंने लिया है 250 ग्राम धनिया। धनिया की पत्तियों को मैंने अच्छे से डंठल से निकाल के साफ़ कर लिया है और बहते पानी में धो लिया है। सारी मिट्टी धनिया की हमें अच्छे से निकाल लेनी है, और धनिया को हमने मिक्सी में डाल लिया है। उसके बाद जो हमारे आंवले हैं, जिनको हमने गुठली निकाल के 4-4 टुकड़ों में करके रखा था, इसको भी हम इस मिक्सी में ऐड कर लेते हैं। और हरी मिर्ची, जिसका मैंने डंठल तोड़ लिया है, और ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको मैंने थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे कि चटनी आसानी से पिस जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काला नमक। ये बहुत ही डाइजेस्टिव चटनी है, इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें डाल रहे हैं जो पाचन के लिए अच्छी है। तो 1/2 चम्मच जीरा भी हम इसमें डाल लेते हैं, ये कच्चा जीरा है, और 2 चुटकी कच्ची हींग मैंने इसमें डाली है। ये सभी हमारे पेट और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं। तो सब इंग्रेडिएंट हमने डाल लिए हैं, मिक्सी बंद करके हम इसको ग्राइंडर को चला लेते हैं। ये देखिए, ग्राइंडर मैंने चला लिया है। इसको पीसते समय मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था, जिससे कि हमारी चटनी अच्छे से बन जाए, और झटपट चटनी बन के तैयार है हमारी। इस चटनी को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और ये फ्रिज में 6 से 7 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा बनी रहेगी। इसे आप पकौड़े, पराठे या सब्जियों के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इन सर्दियों में आप भी घर पे बनाइए कच्चे आंवले की ये टैंगी चटनी और इसका लुत्फ उठाइए। अगर आपको ये क्विक और इजी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही इजी और चटपटी रेसिपीज और जानने के लिए वीडियो के नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो को शेयर करें और इसी तरह अच्छा खाना बनाते रहें।